चोरी करती हो? चोरी नहीं, वो दरअसल पैसे दे दो या कंगन भी चलेगा। बस पैसे नहीं है, छोड़िए मेरा हाथ। जमाल क्यों मचा रहा है धमाल? खलील यहाँ से वहाँ क्या हुआ और इसने, इस औरत ने खाना चुरा लिया? वो बच्चे बहुत भूखे थे इसीलिए उन्हें। मैं देखता हूँ। तू अपनी लंबी सी नाक इस मामले से दूर रख, समझा? तुम्हारे पास पैसे नहीं हम? कोई बात नहीं, मुझ पर यकीन रखो। ये लो। नहीं, यही चाहिए था ना तुम्हें? शुक्रिया। अरे ये लो, मजे करो। बढ़िया। हमारा कंगन, हम अपने कंगन के बिना नहीं जाएंगे। मतलब ये कंगन? चलती रहो। क्या हम मुसीबत में? अगर पकड़े गए तो ही इस गली से निकलो। अबू का रास्ता पता है। अबू, जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मेरी तरफ देखो, सिर्फ मेरी तरफ। तुम ये कर सकती हो। शक है, पर हमने उसे महीनों तक ढूंढा है। समझ में नहीं आ रहा है कि उस गुफा के अंदर ऐसा क्या है भला जो आप जैसे ताकतवर इंसान के काम आ सके, और वैसे भी सुल्तान के बाद दूसरे दर्जे पर आप ही हो। और तुम्हें लगता है कि इतना काफी है? जी बिल्कुल, शाही खूनी सुल्तान बन सकता है। क्या तुम जानते हो कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने क्या क्या किया है? मैंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी लाशें बिछाई हैं। 5 साल शेराबाद के कैदखाने में गुजारे हैं मैंने। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मैं किसी सुल्तान से कम नहीं। मुझे दूसरे दर्जे पर नहीं रहना है, इसलिए मुझे उस जादुई चिराग की जरूरत है और तुम्हारी जरूरत नहीं। व्यापारी जहाजों से सीधा महल में आती है, पर कनीजों के लिए नहीं। यानी तुम
कोई ऐसी वैसी कनीज नहीं हो, तुम शहजादी की खास कनीज हो। काबिले तारीफ है। ये काबिले तारीफ है, वहां से शहर देखोगी तो क्या कहोगी। कितना खूबसूरत है, देखने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हें अपने साथ शहजादी को भी घुमाना चाहिए, लोगों ने उन्हें सालों से नहीं देखा। वो उन्हें निकलने नहीं देते, जब से हमारी यानी मलिका आला का कत्ल हुआ है सुल्तान डर गए हैं और शहजादी को कहीं जाने नहीं देते। उनके कत्ल का पूरी सल्तनत में खौफ है, पर इसमें अग्रवा के लोगों का कोई हाथ नहीं है, लोग उन्हें चाहते थे। हाँ बहुत चाहते थे। ये तुम्हारा है? ये किसी से लिया हुआ है। मुझे ये धुन सिखाई थी। मुझे भी बस यही एक उनकी याद है। और तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? मैंने बचपन में ही दोनों को खो दिया था, तब से मैं अकेला ही हूँ। अब क्या बताऊँ तुम्हें? क्या सुनने में थोड़ा अजीब है, पर इस बंदर ने माँ बाप का प्यार देकर मुझे इतना बड़ा किया। वैसे हम दोनों का गुजारा चल जाता है, सोचता हूँ कभी कुछ बदलेगा लेकिन कभी नहीं बदलता। ऐसा लगता है कि मैं हर दिन, मुझे लगता है फंस गए। जैसे तुम जो करना चाहते हो वो नहीं कर सकते। जल्दी महल वापस जाना होगा। अभी देखो, और एक नमूना है शहजादी का हाथ मांगने के लिए। हाँ, और उन्हें तैयार कराना होगा। मेरा कंगन दे दो। बिल्कुल। मैंने जेब नहीं रखा था। कहाँ गया? अबू, कहीं तुमने तो? वो मेरी अम्मी का कंगन था। हाँ, बहुत खूबसूरत था। तो तुम चोर ही निकले? नहीं नहीं। हाँ, मैं कितनी बेवकूफ। रास्ता दीजिए। रुको रुको रुको, ऐसी बात नहीं है। रास्ते से हट जाओ। रास्ते से हट। भिखारी कहीं के? किसको भिखारी बोला? भिखारी होगा तेरा बाप, उससे सवाल लड़ाता है। भिखारी पैदा हुआ है और भिखारी मरेगा, कफन तक नसीब नहीं होगा तुझे, चिंदी चोर। चलो अबू घर चलते हैं। सफर दिलचस्प रहा। शुक्रिया। अरबिस्तान की हसीनाएं भी यही कहती हैं। क्यों कहती है ना?
अभी हम एक हुए नहीं कि आप हमें जानने लगे हैं। अच्छा हाँ। शाही खून हम दोनों में है, लेकिन अफसोस की अहमियत शहजादे को ही मिलती है। जैस्मीन। हाँ। ओ, ये क्या है? नहीं बताना नहीं। ये पीली बिल्ली है, म्याऊं म्याऊं वाली। आपको पसंद करती है? जानता हूँ, और बिस्तान की बिल्लियाँ भी मुझे पसंद करती हैं। मेरी बिल्लू बोलो म्याऊं म्याऊं, म्याऊं म्याऊं बोलो म्याऊं 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 म्याऊं। मेरे सुल्तान, हमारे दुश्मन हर दिन ताकतवर हो रहे हैं, फिर भी आपने शहजादी को अपनी मनमानी करने दी। रिश्ता हो जाता तो हम मजबूत हो जाते। कौन से दुश्मन? शेराबाद के लोग सुल्तान। शेराबाद हमारी तरफ है। हुआ करता था सुल्तान, तुम हमें अपने ही लोगों के खिलाफ जंग करने पर। और आप अपने जज्बात में आकर अपनी पूरी सल्तनत को तबाह करना चाहते हैं। तुम अपनी हद में रहो। माफी चाहता हूं सुल्तान, मैं अपनी औकात भूल गया था, माफी चाहता हूं। मेरी बात पर गौर करें तो आपको लगेगा कि शेराबाद पर हमें जरूर हमला करना चाहिए। हम शेराबाद पर हमला। शेराबाद पर हमला? क्या हम अम्मी की सल्तनत पर हमला क्यों करेंगे? हम शेराबाद पर कभी हमला नहीं करेंगे। अगर उस शहजादे के साथ समझौता हो जाता तो हमारी ताकत दोगुनी हो जाती। हाँ, अगर तुम अरबिस्तान के शहजादे को एक मौका दो तो हुकूमत करने का। बाबा, उससे ज्यादा कल तो हमारे शेर राजा में। मेरी बच्ची, अब हमारी उम्र हो गई है, आपका निकाह होना जरूरी है, और कितने शहजादों को मना करोगी? कोई दूसरा शहजादा हमारे लोगों का दर्द क्या समझेगा? अगर हमें एक मौका मिले। बच्ची, आप सुल्तान नहीं बन सकती। वक्त गवाह है, कभी कोई औरत इस सल्तनत की गद्दी पर नहीं बैठी है। हमने अपनी पूरी जिंदगी इस काबिल बनने की तैयारी की, कितनी सारी किताबें पढ़ी है, लेकिन तजुर्बा आप कहाँ से लाओगे शहजादी? बिना तजुर्बे के आप कुछ नहीं। ऐसा रहा तो हमारी सल्तनत खतरे में आ जाएगी। हमारे लोगों की हिफाजत के लिए हमें एक रखवाला चाहिए। जाफर सही है, एक दिन तुम समझ जाओगे। अब आप जा सकती हैं। इतिहास बदलने की कोशिश मत करो शहजादी। खूबसूरत शहजादी खामोशी अच्छी लगती है। ज्यादा उड़ो मत, वरना तुम्हारे पर काट दिए जाएंगे। क्या करना?
कुछ भी सुना तो गुस्ताखी था। बेवकूफ सुल्तान ने एक बार फिर से बेइज्जती कर दी मेरी। उन्हें सिर्फ शहर दिखता है, मुझे सुल्तनत। बस एक बार वो जादुई चिराग मेरे हाथ लग जाए, फिर उस तख्त पर मेरी हुकूमत होगी। महल में चोर? जी मेरा आका, चोर। तुमने ऐसा क्या दिखाई दिया तुम? कोयले की खान में हीरा। जानी जा सकती है किस लिए। हम कुछ कर सकते हैं, हमें पता है क्या करना है। हम किसी निगम में शहजादे से निकाह करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपको किसी ना किसी शहजादे से तो निकाह करना ही है, तो इसमें क्या बुराई है। माना कि वो नामा कूल है, पर उसकी शक्ल तो अच्छी है, और आपको सिर्फ निकाह ही तो करना है। शतरंज थोड़ी ना खेलनी है उसके साथ, या फिर बंदर वाले को दे ले चुकी है हम। आलीशान बनाया। तुम सिपाहियों से कैसे बच निकले? हाँ थोड़ा मुश्किल था, लेकिन यही तो मेरा अंदाज है। जब तक शहजादी नहीं आ जाती तब तक क्यों ना हम घूम के बातें बातें कर सकते हैं। तुम सच में पागल हो? महल में इस तरह घुसकर खुले हम घूमने की बात कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? डर से तो मेरा पुराना इश्क है, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहते हो, तुम्हारा कंगन ढूंढा मैंने? तुमने ढूंढा नहीं, चुराया था। गलत, बंदर ने चुराया था। लेकिन वो है तो तुम्हारा। लेकिन है तो बंदर ही ना। चाय किसने मंगवाई? मैंने आपके लिए, शहजादी जास्मिन। आपकी खिदमत में। ये कैसी अजीब हरकतें हैं। शहजादी होने पर नाज है, क्योंकि हमारा महल है, सोना और चांदी है, और हर घड़ी हम नए लिबास जो पहन सकते हैं। राजा शीर बुला रहा है उसे, नाना जो है। ये ज्यादा लोगों से मिलती नहीं है। जाहिर है। ये तो नहाने जाने वाला था ना। पनीर, राजा तुलसी चंदन से नहीं दूध से नहाएगा। पर शेर को दूध से कौन नहलाता है? तुम्हें अब जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं कल रात वापस आऊंगा। क्या? नहीं, तुम मेरा बिल्कुल वही इंतजार करना जब आसमान में तारे चमक रहे होंगे। कल ये वापस करने आऊंगा। करना।
देखा तुमने अबू, इतना सख्त पहरा होने के बावजूद हम निकल आए। कैसे हो? ठीक हूँ। ठीक हूँ। मेरे पीछे सिपाही है। कैसे हो? क्या कर रही थी मलिका का कंगन पहनकर? क्या मलिका? नहीं नहीं, उसने कहा कि वो तो उसकी अम्मी का है। चलो कुछ तो सच कहा उसने तुमसे। क्या तुम कह रहे हो कि वो शहजादी थी? मैं एक शहजादी से? ये शहजादी की पुरानी आदत है, वो आम लोगों के साथ खेलती रहती है। तुम्हें क्या लगा वो तुम्हें पसंद करती है? नाम क्या बताया तुमने अपना? अलादिन। अलादिन, हमारे जैसे लोगों को हकीकत में जीना चाहिए। हाँ, मैं भी कभी तुम्हारे जैसा ही था, एक मामूली सा चोर। लेकिन मेरी सोच बड़ी थी, चीजें चुराता तो एक चोर बनकर रह जाता। सुल्तान बनने के लिए सल्तनत चुरानी पड़ती है। ताकतवर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर होने के बाद ही कुछ अलग है। तुम्हारी तकदीर अच्छी है कि तुम मुझसे मिले। मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूं, इतना अमीर कि तुम शहजादी को जीत सको। लेकिन हर चीज की कीमत होती है। मुझे करना क्या होगा? पास में एक गुफा है और उसमें एक मामूली सा चिराग है। उस चिराग को मैं ले लिया और मैं तुम्हें शहजादी को जीतने लायक बना दूंगा। तुम उसके लिए कुछ नहीं हो, पर सब कुछ बन सकते हो। ये तो बस शुरुआत है अलादीन।
जादुई कालीन है, मतलब ये सचमुच होते हैं। क्या हाल कालीन भाई? चलो देखते हैं आपको छुड़ाए कैसे जाए। बंदर वाली हरकतें बंद करो। पड़ी गया तुझ पे, तो अब हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। कालीन भाई, यहां से बाहर कैसे निकले? चिराग, क्या है ये? Thank you.
کی خدمت بدل جائے گی آپ کی قسمت حاضر ہے موقع بہترین پوری ہوں گی آپ کی مرادیں تین میں نے کہا میرے چھوٹے میاں کہاں ہے تمہارے بڑے میاں ارے اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی ہاں خود سے باتیں کرنی ہوتی تو چراغ میں نہ رہ جاتا میں اجی سنتے ہو میں اونچی آواز میں بات کر بیٹے کیا میں سچ میں ایک نیلے انسان سے بات کروں دونوں میں فرق ہے میں نیلا چینی ہوں نیلا انسان نہیں چھوٹے دماغ کا تہی مت کر کہاں ہے تیرے آقا کیا میرے کیا دیکھ چھوٹے چراغ سے میرا آنا جانا سالوں سے لگا رہا ہے لیکن یہ جو حکم دینے والے ہوتے ہیں نا یہ لالچی قسم کے یہ گھٹیا قسم کے ہوتے ہیں تو سمجھ رہا نا میری بات وہ نالائق کا ہے ہاں وہ بندہ تو گفا کے باہر ہے یعنی یہاں پر تم میں اور یہ بندر ہے اس گفا کے اندر بھائی تو کوئی مداری توڑا ہے اور جب انہیں تجھے کوئی تماشا دکھانا آتا ہے کہ تو چراغ کو گھسا کس طرح تم نے ہاں ہاں اچھا تمہیں اعتراض نہ ہو تو استھی پنجر کھول لو ذرا اگر اجازت ہو تو تم مجھ سے اجازت مانگ رہے ہو میرے آقا میں تمہارا آقا ہوں چینی مختصر میرے آقا تو تم لگ رہے ہو آپ پر ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں ہے تو کب سے اس چراغ میں مت ہو ہزاروں سالوں سے اے چھوٹی ایک بات بتا ہر بات پہ اتنا کیوں چوکڑا ہے تجھے سچ میں نہیں پتا کہ میں کون ہوں جینی جادو چراغ ابھی تک دماغ کی بتی نہیں جلی آؤ ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں چھوڑے کوئی نہیں پریشان مت ہو بال کلا کھا رہے سب ٹھیک ہے چالیس چور دکھاتے تھے بہو لاکھوں کھیل بڑا قدم ہو آلہ اب تمہارے پاس ایسا حجاز جو ہوگا نا فیل کیا بولتے با پلے نہیں پڑا اچھا چھوڑو یہ دیکھو علی بجا سکتے نہیں بس شکریہ تھا باہر جا کے کرنا جب میں تمہاری پہلی مراد پوری کروں تو مراد کیسے مانگتے کیا مزاق ہے کیا پورا کا پورا گانا آپ یہی تو سمجھا رہا تھا میں لگتا ہے گانا سنتے وقت تمہارا دماغ کام نہیں کرتا اس لیے دھیان سے سنو پہلا کام ہے چراغ کو گھسو پھر دوسرا کام اپنی مراد مانگو اور تیسرا ہے ہی نہیں دیکھا کتنا آسان ہے تمہیں تین مرادیں ملیں گی بس چراغ کو گھسو اور کہو میری مراد ہے سمجھے اور باقی کے نیم بھی سمجھ لو تم تین سے زیادہ مراد نہیں مانگ سکتے تین ہی ملیں گی ہاں کسی کو پیار کرانا نہیں کرانا میرے بس میں نہیں اور مرے ہوئے کو واپس لانا تو بیچ میں کچھ سمجھ میں نہ آئے تو مجھے روک لینا مزاق کر رہا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے ایسا سوچنا بھی مت ارے اتنے وستار میں تو میں نے اپنے چاچا کو نہ سمجھایا عام طور پر مجھ تک جو پہنچتا ہے وہ اپنی مرادیں پہلے سے طے کر کے آتا ہے اور زیادہ تر مرادیں ہوتی ہیں دولت اور طاقت ایک سلام دیتا ہوں دنیا میں اتنی دولت یا طاقت ہے ہی نہیں جو کسی کی بھی لالچ پوری کر سکے تو تم اس راستے جانا ہی مت سمجھ گئے تو مانگو اپنی پہلی مراد دیکھو سوچنا پڑے گا مجھے مطلب مرادیں تین ہی ہیں لیکن صرف تین ہی کیوں ہیں مجھے کیا پتا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیا تمہیں نہیں پتا پر تم تو سب جانتے ہو نا تم نے اپنے کان میں تیل ڈال لو کیونکہ تم ٹھیک سے سنتے نہیں ہو میں نے کہا تھا میں طاقتور ہوں پوری کائنات میں سب سے طاقتور دیکھو جو بھی میں نہیں جانتا میں چٹکی میں سیکھ سکتا ہوں باہر دھوپ میں تمہیں اتنی مشکل کیوں ہو رہی ہے ایک چھوٹی سی مراد مانگنے میں جلدی مانگو میرے بھائی ورنہ یہ نیلا جینی دیکھتے ہی دیکھتے لال پیلا ہو جائے گا کیوں تڑپا رہے ہو ٹھیک ہے جینی میری پہلی مراد یہ ہے کہ ہمیں اس گفا سے باہر نکالو کرنے کا وقت آ گیا شکریہ قالین سے نہ اوٹ سے چلیں گے جس روٹ سے اس روٹ کی سبھی لائنیں مست ہیں آپ نے کون سی کی بیٹی دیکھو تو اس دنیا کو دنیا کتنی بڑی ہے چراغ کے اندر پیتل شیتل دکھتی تو پھر بھی ٹھیک تھا لیکن نہیں پیتل ایک چینی کی زندگی میں یہی تو تکلیف ہے جادوئی طاقت ہونے کے باوجود رہنے کے لیے صرف 12x6 کا کمرہ تو
क्या इसमें जादू है या फिर तुम में जादू है? जादुई गठबंधन समझ लो। ये सब करने से पहले बताया तो करो, वो आदत पड़ जाएगी। सही कहा। तो क्या मुझे अपनी मुरादें यही मांगनी पड़ेंगी? मतलब अगर मैं तुम्हें अग्रवा ले जाऊं तो लोग कहीं? ना 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 ना, मैं लोगों में पूरी तरह घुल मिल सकता हूं। हाँ बिल्कुल आम आदमी। या फिर अभी भी नीला है। ये कैसा है? ये चोटी निकाल सकते हो क्या तुम? अरे इससे नजर नहीं लगती भाई। ठीक है ठीक है। तो क्या मांगना तुम्हें? मैंने अभी तक सोचा नहीं। तुम बाकी आकाओं से काफी अलग हो। ठीक है, तुम मेरी जगह होते तो क्या मांगते? पहले किसी ने ऐसे पूछा नहीं मुझसे, लेकिन जवाब बहुत आसान है। मैं अपनी आजादी मांगता हूँ इन बेड़ियों से। बूम, क्या कर सकता मैं आपके लिए? बूम, खोखल शरबत लेंगे। बूम, रसम की खस्ता मैं आपको। आजादी, मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ। तुम खुद अपने आप को आजाद क्यों नहीं कर लेते? अकालिन भैया, सुन रहा जनाब का कह रहे हैं कि मैं अपने आप को आजाद क्यों नहीं करा लेता? एक जीनी तभी आजाद हो सकता जब चिराग का मालिक चिराग घिस के उसकी आजादी की मुराद मांगे। और ये पिछली बार तब हुआ था जब सूरज पश्चिम से निकला था, यानी कभी नहीं रे। मैं तैयार हूँ, तो मेरे पास तीन मुरादें हैं। तीन नहीं, सिर्फ दो बची हैं। एक तो गुफा से बाहर निकलने के लिए मांग चुके हो, याद है ना? मैंने मांगी या तुमने? मुराद मांगने के लिए तो चिराग घिसना पड़ता है। अच्छा बच्चू, ठीक है तो चलो पीछे चलते जरा। बंदर ने दिखाई हाथ की सफाई, मुराद बच गई, बधाई हो बधाई। तुम पे नजर रखनी पड़ेगी। चलो अब मैं तीसरी मुराद तुम्हें आजाद करने के लिए मांग सकता हूँ। देखो मुरादों का यही मसला है कि जितनी भी मिले हमेशा कम लगती है। मैं ऐसा नहीं हूँ। ये तो वक्त ही बताएगा। कुछ है मेरे दिल में। ये तो आशिक का चेहरा है। कौन है वो हसीना जिसने दिल तेरा चीना? वो एक शहजादी है। वो तो सभी है। मैं तो कहता हूँ अपने माशुका को रहने की तरह रखो। नहीं नहीं, वो सचमुच एक शहजादी है। भाई मैंने पहले ही कहा था मैं किसी को किसी से प्यार व्यार नहीं करवा सकता। नहीं नहीं, हमारे बीच कुछ तो बात है। ये सही है। वो अकलमंद है, दिल वाली है और बेहद खूबसूरत थी, पर वो शादी किससे? क्या तुम मुझे शहजादा बना सकते हो? देखो भाई, बनाने को तो मैं अच्छे अच्छे को बना चुका हूँ। जैसे कि लो बन गया। ओ नहीं। हाँ नहीं तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारा। जो भी बोलो तोल के बोलो, कहीं कोई भूल चूक हो गई तो कहे समझो। समझ गया। लेकिन वो तुम्हें पहले ही पसंद करती है तो शहजादा बनने की क्या जरूरत है? मैंने बताया ना, वो सिर्फ शहजादे से निकाह कर सकती है। अच्छा तो चलो फिर, लेकिन इस बार ईमानदारी से मांगनी होगी तुम्हें, ये तुम्हारी पहली मुराद होगी। चलो अब मांगो मुझसे। जीनी, मेरी मुराद चिराग। ओ माफ करना। ठीक है जीनी, इस बार चूना नहीं लगाना। मेरी मुराद है कि मैं बन जाऊं एक शहजादा। भाई लोग जरा पीछे हट जाओ, आप देखो मेरा जलवा। जीनी चक्कर खाने की आदत पड़ रही है ना? मुझे लगता है आदत पड़ गई। अच्छा तो शहजादा कैसे बनाऊं? सलीम बनाऊं या अकबर या बीरबल? हट, बीरबल तो मंत्री था। धीरे धीरे मेरे दिमाग की बत्ती जल रही है। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ ये देखो शाही पोशाक। ये जो मैं कमाल कर रहा हूँ ना, वो बवाल नहीं दिख रहा है। कुछ तो बड़ा बवाल करना पड़ेगा चीनी। ये तो बहुत बड़ी टोपी है। हाँ टोपे पहनाने का होना रहा मुझे, कुछ करना होगा, कर दूंगा ऐसा जादू से होना, पहना दूंगा 50 तोला सोना। ये ज्यादा हो गया। जानता हूँ ये ज्यादा हो गया, शायद ये पहनूंगा तो दिमाग चलेगा। महंगा कपड़ा निकालना पड़ेगा हल्के रंग में। ये थोड़ा भारी है। चीनी को देखकर दर्शकों में काबू। चीनी चीनी आग लगा दे, आग लगा दे। चीनी ने सच मुझे आग लगा दी दोस्तों। देखो मेरे यहाँ का तुम्हारे चीनी ने कर दिया था मांगा। सारी हंसी चिल्ला रही है चीनी वाले बाबू।
पसंद आए। और नहीं तो क्या, बनाया किसने? ये मुझ पे जचता है। हाँ जचता है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत जो की है। तुम तो यूं ही खड़े थे, वैसे अच्छे लग रहे हो। पर लोगों ने मुझे पहचान लिया तो? कोई नहीं पहचानेगा, क्योंकि मेरा जादू ही कुछ ऐसा है। लोग वही देखेंगे जो हम दिखाना चाहेंगे। सही कहा। मैं कौन हूँ? शहजादे अली। कहाँ से? बबुआ? नहीं बबुआ, अबाबुआ। ऐसी कोई जगह है भी? हाँ है ना, दुनिया भर में मशहूर है। नक्शे में देखो दिख जाएगा। यहाँ गर्मियों में सर्दी, सर्दियों में गर्मी होती, हर रास्ते में देख लेना। लेकिन हम जाएंगे कैसे? अब बंदर की सवारी तो नहीं कर सकते। देखो कैसे भागने की तैयारी कर रहा है। अरे रुक जा बंदरवा। ओ गधा, कधे पे कधे लगोगे? इस पे गरीब लगोगे। अरे हमें चाहिए कोई शाही सवारी। हैंडरा कबू कुछ नहीं होगा। वाह शहजादा अली अबाबुआ से। और ये रहा जश्न काफिला। क्या तो
है क्यों रे? सुल्तान आ रहे हैं। क्या कर रहे हो? सीधे खड़े रहो। वो मैं ये कदा है। अपने हाथ नीचे करो। हम अग्रवा में आपका इस्तकबाल करते हैं शहजादे अली। इसे तोड़ कैसे दिया? मैं नहीं जानता। खुद ही किया। इनसे मिलकर खुशी हो रही है तुम्हें? मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई जनाब सुल्तान। आप भी खूबसूरत लग रहे हो। इतना झुको मत के गिर जाओ, खड़े हो जाओ। कहाँ है आपका ये मुल्क? अब आप हुआ? हाँ, वो उत्तर में है। ये उत्तर और दक्षिण के बिल्कुल बीच में है। ये पास में ही है, मतलब यहाँ से वो बीच में। वहीं कहीं आप ढूंढोगे तो जरूर मिल जाएगा। बेड़ा कर मत करो। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है जाफर, क्या रोज एक नया मुल्क वजूद में आ रहा है। मुझे मत छुओ। कहो ना मत छुओ। तो हाँ, आप बहुत समझदार हैं। उन्हें बताओ कि हम उनके लिए तोहफा लाए। ओह हाँ, हमारे पास कुछ तोहफे हैं। तुमने बताया नहीं मुझे। हाँ, तो हाजिर हैं तोहफे सिर्फ आपके लिए। इनमें मसाले हैं, सोने की ऊंट हैं और चमचे। छोटे छोटे चमचे? चमचे? इतने छोटे चमचे कैसे बनाए होंगे? और हाँ, मुरब्बा। मुरब्बा? मुरब्बा? हाँ, मुरब्बा। रतालू मुरब्बा, अंजीर का मुरब्बा, खजूर का मुरब्बा, बिना बीजों का स्वादिष्ट और शानदार मुरब्बा। मुरब्बे के दलदल से बाहर निकलो मेरी जान। क्या? जवाहरात पेश करो। जवाहरात हमारे पास है। और हाँ, वो वहाँ पर एक और तोहफा है छुपाया हुआ। तरा तो है। ये पेश कीमती तोहफा है। तो क्या खरीदना चाहते हैं आप इस पेश कीमती? आपको नहीं, नहीं नहीं, मुझे आपसे पूछना था कि मैं क्या खरीदूं इस कीमती चीज से। क्या आप कहना चाहते हैं कि मैं बिकाऊ हूँ? बेशक नहीं, नहीं बेशक नहीं, नहीं। इससे बेहतर था चिराग के अंदर रहता मैं, भले ही वहाँ अंधेरा हो। माफ कीजिएगा, मुझे जाना होगा, मुझे भूख लगी है। मुरब्बा खाएं? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो कोशिश अच्छी थी, मेरा सच में ये मतलब नहीं था। अब छोड़ दो उसे, मौका हाथ से निकल गया। आपको दोबारा गुफ्तगू का मौका मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज रात आप हमारे साथ जश्न मनाएंगे शहजादे अली। जी जनाब, आपका हुक्म सर आंखों पे, हम जरूर आएंगे। मुरब्बा, 10,000 सालों में मैंने इतनी बेइज्जती कभी नहीं झेली। चलो शुक्र है, तुम्हें एक और मौका मिला है। यहाँ वही करो जो हर जश्न में करते हो। मैं कभी जश्न में नहीं गया हूँ। क्या क्या? तो एक काम करो, तुम कमरे में जाके सो जाओ, मुझे जश्न मनाने दो। शहजादे अली, क्या हम बात कर सकते हैं अकेले में? आपके नौकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी नाक यहां से हटा लेता हूं। मुझे पता है आप कौन हैं। सच में? जी, आप में बहुत कुछ पाने की चाहत है, मुझे अपनी याद दिलाती है। हाँ, पर मुझे तो आपका नाम तक नहीं पता। जाफर, वजीर हूँ सुल्तान का, लेकिन मैं आपकी हर जरूरत को पूरी करने में काम आ सकता हूँ। हाँ, इस बारे में मैं सोचूंगा, फिलहाल शहजादी इंतजार करें। इंतजार तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा जनाब। शहजादे अली। गुस्ताखी माफ, मेरे शहजादे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो ये है वो नाला है? यही है वो। देखो वो रही तुम्हारी मंजिल, जाओ कर लो थक दिना दिन। एक बात कहूँ, यहाँ पर बहुत भीड़ है, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा।
सीना चौड़ा करो और चला दो अपना जादू। जरा उसकी कनीज को भी देखो, लगता है शरबत लेने जा रही है। उसे क्या पता मैं कितना प्यासा हूँ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ, वो मुझे जरूर पहचान लेगी। नहीं, कोई नहीं पहचानेगा। बस शेर बनो और शिकार करो। शिकार करो? या तो मेरी बोलती बंद हो गई है। देख छोटी, ध्यान से सुनो, मैं एक चिराग में रहता हूँ, मुझे ये जश्न चाहिए और तुम्हें इश्क, तो ये जश्न इश्क तो होके रहेगा, समझे? आज हम दोनों को कोई नहीं रोक सकता। चुकते फटे नमते गिल्ली। शहजादी जैस्मिन, आप यही हैं? क्या कर रहे हो तुम? आखिर कर क्या रहे हो तुम? मैं पानी में इसमें मछलियां ढूंढ रहा था। अच्छा, परी वहाँ है। असली शहजादे के मुकाबले में खड़ा भी नहीं हो सकता। देखो उसे, ये सब मेरे बस का नहीं है। देखिए, वो उसे नहीं तुम्हें पसंद करती है। अब उल्टा जाओ और सीधा बोल दो। जाकर क्या बोलूँ मैं उसे? जाकर ये बोलूँ कि मैं चोर हूँ, इमारतों से छलांगे मारता हूँ और आज अचानक मैं शहजादा अली बन गया। जनाब जनाब जनाब, मैंने तुम्हें शहजादा बनाया है सिर्फ बाहर से, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदले हो अंदर से। शहजादे अली बनकर तुम यहाँ तक पहुँच तो गए, और बाजी अलादीन को जीतनी होगी। देखो, सुल्तान मुझे पसंद करते हैं। चलो अच्छा है, शायद वही तुम्हें अपनी बेगम बना ले। देखा, एक और शहजादा जो बाबा को ज्यादा पसंद करता है। नहीं, मुझे लगता है कि ये दूसरों से अलग है। जिसका इतना खूबसूरत दोस्त है वो तो अच्छा ही होगा ना, इस बार मना मत करना। अच्छा, लगता है शहजादा अली सही निकलेगा। वो ईमानदारी से मेहनत तो कर रहा है ना, कुछ ज्यादा ही कर रहा है। देखा तो चलवा। मैं सही वक्त कर। ना, और इंतजार नहीं, बहुत इंतजार। तुम्हारा आका मैं हूँ, समझ गए? जलवा कब दिखाना है ये मैं तय करूंगा। रुको, क्या कर रहे हो? आ गया, उसे बात कीजिए आराम से। आइए। मुझे माफ कर दो, वो मुरब्बे के लिए, जवाहरात के लिए और तुम्हें खरीदने की बात, वो मैं नहीं था। मतलब वो मैं था, मतलब मेरा कोई जुड़वा तो नहीं है, लेकिन कहना कुछ और था। और मैं क्या तुम नाचोगी? बेशक, क्यों नहीं नाचोगी?
शहजादे अली में। इन पर कड़ी नजर रखना हकीम। वो अचानक से चली गई। हाँ शायद ये मेरी वजह से हुआ, वो उल्टी गुलाटी महंगी पड़ गई। पर मेरे भाई तुम नाचे तो बहुत खूब, पता नहीं कहाँ हो गई चूक। हाँ वो तो है, लेकिन मैं कुछ भी करूँ उसे पसंद नहीं आता। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ना हीरे से, ना जवाहरात से, ना मुरब्बे से, मेरे जादू का असर ही नहीं हुआ, तो पता नहीं किसका असर होगा। साफ साफ कहो ना क्या कहना है। मेरा मतलब है तुम जैसे हो वैसे ही रहो। उसका निकाह सिर्फ एक शहजादे से ही हो सकता है। थोड़ा और वक्त होता ना तो मैं उसे समझा पाता कि मुझे फिर से उसके पास जाना। क्योंकि तुम्हारी दूसरी मुराद है? नहीं ऐसे ही, मतलब दोस्ती यारी में। देखो भाई जीनी के ना कोई दोस्त नहीं होते। तुमने तो कहा था तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं मेरे जैसा। नहीं मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे पास कोई दोस्त है मेरे जैसा। जीनी का यही तो मसला है, मुझसे हर कोई कुछ चाहता है, भालना मुश्किल हो जाता है। तुम सही हो, सही कह रहे हो। वैसे भी शहजादी तक पहुँचने के लिए कनीज से दोस्त नहीं लो। अच्छा समझ रहा हूँ, तुम मेरे जज्बातों के साथ खेल रहे हो ना। सलाम मोहतरमा। तुमने सिपाहियों को चकमा कैसे दिया? वो मैं जरा छुपके से। दर्जनों सिपाहियों के बीच से जो इतने खतरनाक और खूंखार है, काबिले तारीफ। हाँ वैसे मुझे देखकर ही ये शब्द बना है। नहीं नहीं कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितने खूबसूरत है। क्यों नहीं,
राजा आज शहजादे की टांगे मत खाना, उन्हें उल्टी गुलाटी जो मारनी है। उल्टी गुलाटी कुछ ज्यादा हो गई क्या? थोड़ी सी। अब आप हुआ? हाँ चीनी अब आप हुआ नहीं डालिया। मेरा छोटा भाई जो गोरा है वो कालिया, और एक बड़ा भाई जो पैसे लेके भाग गया है उसका नाम तो सबको पता है। अब आप हुआ? बिल्कुल। पता है कभी कभी मैं खड़े खड़े ही सोचा। क्या हुआ, गायब हो गया? गायब क्यों? ओ नहीं नहीं, ये रहा। हो ही नहीं सकता, हमने तो मिल गया ना। ये हमें कैसे नहीं दिखा? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये नक्शे बहुत पुराने हैं और घिसे पिटे। मुझे भी बहुत मुश्किल हुई ढूंढने में। हमने तो दुनिया नक्शों में ही देखी, पर मुझे लगा शहजादी कहीं भी घूम सकती है। ये शहजादी नहीं। तो क्या तुम मेरे मिर्सा का? माफ करना, माफ करना राजा। शुक्रिया इस प्यार के लिए। तो मैं कह रहा था कि तुम्हें ये सब जगह देखनी चाहिए, मतलब बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जो किताबों और नक्शों में नहीं है। देखना चाहोगी? हर दरवाजे पर दरबार है। तो दरवाजे से कौन जाने वाला है? ये क्या कर रहे हैं? क्या है ना शहजादी, जोखिम नहीं उठाया तो जिंदगी में मजा है क्या? ये क्या कर दिया आपने? जादुई कालीन है, यकीन है मुझ पे? क्या कहा आपने? यकीन है मुझ पे? साथ मेरे देखे सारे ना।
जरूरत है। कभी कभी हमें चीजों को दूसरी नजरे से देखना चाहिए। हमारे आवाम यही इसे खूबसूरत बनाते हैं। इन्हें एक ऐसा रहनुमा चाहिए जो इन्हें समझे। हमें लगता है कि वो हम हो सकते हैं। बेशक तुम्हें ही होना चाहिए। आपको लगता है? बस अपने दिल की सुनो। देखिए वहां कितना प्यारा बंदर है। कहीं वो अबू तो नहीं? नहीं नहीं, वो अबू नहीं हो सकता। वो तो कितने नाम हैं आपके? शहजादे अलादीन? नहीं नहीं, मैं तो शहजादा अली। कौन है शहजादा अली? मैं ही हूँ। तो आप इस शहर को कैसे जानते हैं? मैं पहले भी अग्रवा आया था, क्योंकि लोगों को जानने के लिए उनके बीच जाना पड़ता है। और तुम तो ये अच्छी तरह जानती हो। जब हम पहली बार मिले थे तब तुम भी तो भेष बदल के आई थी। तुम्हें तो पता है कि हम धूमधाम से हाथी घोड़े और जादुई कालीन के साथ अग्रवा आए थे। भला एक चोर ये सब कैसे कर सकता है? पर हमने आपको पहचाना कैसे? नहीं, पहनावा बदलते ही लोग चेहरे को नहीं रुतबे को याद रखते हैं। माफ कीजिएगा, कहते हुए शर्म आती है कि आपने अग्रवा को जितने करीब से देखा होगा उतना हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अब हमें महल वापस चलना चाहिए। इतनी जल्दी? मजीन थी सबसे अच्छी। अच्छे से भी शानदार थी। उसे तो पता चल गया मैं अलादीन हूँ। तुम्हारा जादू मार खा गया। अब जादू में कभी ऐसा वैसा हो जाता है छोटे, और सच्चाई के सामने कभी न कभी जीनी का जादू ही कमजोर पड़ जाता है। पर ये तो अच्छा हुआ ना कि उसे सच्चाई पता चल गई। वैसे क्या उन्होंने बताया कि वो चोर के भेस में हमारी सल्तनत को देखने आए थे, लेकिन असल में वो शहजादे हैं। मैंने तो उसे यकीन दिला दिया कि मैं एक शहजादा हूँ। अपने यकीन कर लिए? और उन्होंने यकीन कर लिया? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन जो भी हो, एक दिन तो तुम्हें उन्हें सच बताना ही होगा। सोच लो, कभी ना कभी उसे बता ही दूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे शहजादा ही बना देना है। ओह, तो झूठ का शरबत पीने में मजा आ रहा है। आप शायद उस पर यकीन इसलिए कर रही है क्योंकि आपको निकाह किसी चोर से नहीं शहजादे से करना है। नहीं, हमें उन पर यकीन है। वाकई में उसे बता ही दूंगा। आदाब। आदाब। फिर से नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है कोई गलत फहमी हुई है। शायद आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे मालूम है तुम कौन हो। अलादीन। अलादीन? मैं नहीं जानता, मैं तो शहजादा अली हूँ। अच्छा, बाबू शहजादा उस मुल्क का जो है ही नहीं। मुझे पता है ये जादुई कालीन सिर्फ तिलस्मी गुफा से मिल सकता था और कहीं से नहीं। तुम्हारा बंदर कहाँ है? तुम्हें कीमती चीज मिली वहाँ जो मेरी है। कहाँ है चिराग? कह रहा हूँ ना, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं शहजादा अली हूँ। अगर मैं तुम्हें यहाँ से फेंक दूँ और अगर तुम वाकई में अलादीन नहीं हो तो जरूर डूब के मर जाओगे, और अगर बच गए तो सिर्फ चिराग की मदद से बच पाओगे। इसलिए जवाब तो मुझे मिल ही जाएगा।
एक आखिरी बार पूछ रहा हूं, चिराग कहां है बताओ। सुनो मेरी बात, मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। अलविदा। इन दोनों का भी हाथ है। शुक्रिया, हमें जाफर को रोकना ही होगा। ये इतना आसान नहीं होगा, सुल्तान को उस पर पूरा भरोसा है, उसने सबको बेवकूफ बना रखा है। शायद सबको नहीं बना पाया। मैंने शहजादे अली को उसके मुलाजिम से बात करते हुए सुना था कि वह अग्रभा पर हमला करेंगे। क्या? इसलिए रात से लापता है। जैस्मिन, आपने ये अपने कानों से सुना जाफर, और खुद देखा? जी, मैंने अपने कानों से सुना और आंखों से भी देखा है। आपको कोई तकलीफ शहजादी? हमारी तकलीफ ये है जाफर, कि अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है, तो शहजादे अली अब तक यहाँ क्या कर रहे हैं? सलाम सुल्तान। शहजादे अली, आप यहाँ पर? मेरे सुल्तान, आपका ये वजीर गद्दार है। अच्छा, तो गद्दार मैं हूँ। बाबा, इसने शहजादे को मारने की कोशिश की। जाफर, तुम्हें कुछ कहना है इस बारे में? जी मेरे सुल्तान, आप जानते हैं मेरी वफादारी सिर्फ आपके लिए है। तुम्हारी वफादारी। जी हाँ शहजादे अली, हमने अपनी सल्तनत में आपका इस्तकबाल किया, मेहमान नवाजी की, लेकिन आपके इरादे नेक नहीं है, खतरनाक है। आप अग्रवाह के लिए किसी दुश्मन से कम नहीं है, तो दुश्मन ही सही। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? बहुत हो गया जैस्मिन, जाफर ने हमें शहजादे के इरादों के बारे में बता दिया है।
उसकी जी। वो यहाँ मेरे तख्त के लिए आया है। हकीम, क्या हुआ? आप उसके काबू में? वो भरोसेमंद नहीं है मेरे सुल्तान। उसे आपका तख्त चाहिए। जाफर, तुम मेरे सबसे वफादार वजीर थे। हकीम, इसे खैर खाने में डाल दो। अपने फैसले के बारे में सोच लो हकीम। इंसान के वक्त को बदलने में देर नहीं लगती। मैं अपने सुल्तान का वफादार हूं और तुमसे भी यही उम्मीद थी। अब सड़ते रहो सलाखों के पीछे। शहजादे अली, हमें माफ कर दीजिएगा। ऐसा मत कहिए सुल्तान। दरअसल मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ मत कहिए अग्रवा, मैं आपकी नियत और इरादों पर फिर कभी सवाल नहीं उठाए जाएंगे। इतना सच्चा और वफादार शहजादा ही हमारी सल्तनत की शान और शौकत बढ़ा सकता है। देखिए, हमें फख्र होगा आपको बेटा बनाकर। हमें पता है इससे किसी को बहुत खुशी मिलेगी। वाह बेटे, पहले हम आपके हैं कौन, फिर कुछ कुछ होता है और अब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तुमने तो शहजादे से भी बड़ा काम कर दिखाया है। हाँ, वो तो सही कहा। लगता है मेरे अंदर का शहजादा जाग उठा है। नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुमने सही कहा, जो दिखता है वही तो बिकता है। तो अलविदा अलादीन और शहजादा अली का सलाम। वाह, काफी तरक्की कर ली तुमने यहाँ छोटे। मैं अपनी आखिरी मुराद के बारे में सोच रहा था और ये सब तुम्हारे बिना ना हो पाता। मेरी आखिरी मुराद तुम्हारी आजादी थी, पर देखा ना सुल्तान ने क्या कहा। अब यहाँ तक आके मैं पीछे मुड़ना नहीं चाहता। तो तुम उसे कभी सच नहीं बताओगे, झूठ के सहारे जियोगे? ये झूठ नहीं है, लोग बदलते हैं। हाँ, ओ सुना तुमने, ये बदल गए। तो इसमें गलत क्या है? देखो, अब सब ठीक हो गया है और सब खुश है। अब तुम चाहते हो कि मैं वापस जाकर चोरी चकारी करूं? मुझे लगा तुम मेरे लिए खुश होगे, पर तुम्हें तो इस बात की फिक्र है कि मैं तुम्हें आजाद करूंगा या नहीं। बिल्कुल नहीं, मुझे अपनी आजादी की कोई परवाह नहीं। ये सब तुम्हारे बारे में है। तुम उससे झूठ बोलना चाहते हो जिससे तुम प्यार करते हो, इस डर से कि तुम ये सब खोना बैठो। तुम समझ नहीं पाओगे जीनी, मेरे जैसे लोगों को ये सारी चीजें सिर्फ ख्वाबों में मिलती है। नहीं नहीं, लगता है तुम नहीं समझे। जितना तुम झूठ की जिंदगी जियोगे उतना ही सच्चाई से दूर जाओगे। 10,000 सालों में मैंने एक बार भी कभी किसी मालिक को दोस्त नहीं बनाया। मैंने तुम्हारे लिए नियम तोड़े, तुम्हारी जान बचाई। किस लिए? तुमने मेरा दिल तोड़ दिया छोटे, दिल तोड़ दिया मेरा। चीनी, नहीं रुको। शहजादा तू मैं नहीं।
जब मौका था तो अग्रभाग से भाग जाना चाहिए था। मैं और भागू जब ये सल्तनत पूरी मेरी होने वाली। खेल खत्म जाफर। खेल तो तुम्हारा खत्म हो चुका है बुढ़े। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। गलती कर दी। Bolo in.
तुम बहुत छोटे थे जब तुम्हारे अब्बू यहाँ काम करने आए थे, लेकिन तुम अपनी मेहनत से हमारे सबसे भरोसेमंद से पैसालार बन चुके हो। तुम हमेशा से एक वफादार और सच्चे इंसान रहे हो, लेकिन अब तुम्हें चुनना होगा। फर्ज कभी कभी इम्तिहान लेता है। हमारी सबसे बड़ी चुनौती अपने फर्ज के आगे झुकना नहीं है, बल्कि फर्ज में सच्चाई ना हो तो फर्ज को छोड़कर सच्चाई के साथ खड़ा होना है। जाफर जैसे लोग तुम्हारी कुर्बानी और वफादारी के हकदार नहीं है। मैंने हमेशा सिर्फ आगरवा की भलाई के बारे में सोचा है और कुछ भी नहीं। नहीं, तुमने सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचा है, और वो भी हमारे लोगों का इस्तेमाल करके। हकीम, तुम्हारे लोग तुम्हारा हुक्म मानेंगे, लेकिन फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम चुपचाप जाफर के हाथों अपनी सल्तनत को खत्म होते हुए देखोगे, या फिर सच्चाई का साथ दोगे? ये हमारे लोगों की हिफाजत का सवाल है। आगरबा की शहजादी, मुझे माफ करें मेरे सुल्तान, हकीम। सिपाहियों, वजीर को पेड़ियों में चकर लो। तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। वफादारी में तुम लोग इतने अंधे हो गए हो कि सुल्तान बन गया फिर भी नहीं झुकोगे। ठीक है, सुल्तान के सामने ना सही, एक शैतानी जादूगर के सामने तो तुम झुकोगे ना। चीनी, मेरी मुराद है कि मैं सबसे ताकतवर शैतानी जादूगर बनूं। जो हुक्म मेरे आका। कितना कुछ सोचा था, लेकिन अब तुम किसी काम के नहीं हो। तुम और तुम्हारी सिपाही कैद खाने में ही ठीक रहोगे। तुम भी कहीं हमारे शहजादे अली तो नहीं, या फिर ये कभी अलादीन। ये तो महज एक बहरूपिया है, एक मामूली चोर। ना कोई शहजादा अली है, ना कभी था। ये बस एक झूठा मक्कार चोर है। मुझे माफ कर दो। तुम एक छोटे कीड़े मकोड़े की तरह हो, जिसे मुझे बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी दर्दनाक मौत मेरे हाथों लिखी है, तो चलो तुम्हें जहन्नुम भेज देता हूं। जाफर, अपनी जगह भूल गए जाफर? जाफर नहीं, अब जरूरत है बाबा तुम्हें तड़पाने की। जिस तरह मैं तड़पा, मुझे अपनी सल्तनत पर राज करते हुए देख के तड़पोगे? रोको ये सब। तब तड़पोगे जब मैं तुम्हारे वफादार लोगों को खत्म कर दूंगा। जाफर, हमने कहा रोको इसे। नहीं, तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया सजा ये होगी कि मैं तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छीन लूं, तुम्हारी बेटी से निकाह करके। तुमसे कभी निकाह नहीं करेंगे। तुम जो कहोगे मैं करूंगी, बस इसे रोक दो।
हमने कहा इसे रोक दो। शहजादी जासमिन को अपनी बेगम के तौर पर कबूल? हाँ, हाँ कबूल है शहजादी। शहजादी जासमिन, क्या सुल्तान को अपने शौहर के तौर पर कबूल करती है? चलो जल्दी बोल दो। भाग जाना चाहिए था।
लेकिन अब चिराग भी मेरा और ताकत भी मेरी। उस चिराग से जो तुम्हें चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा तुम्हें जाफर। मैं कोशिश कर चुका हूँ और मैं हार गया। तुम्हें ऐसा लगता है? अब मैं सुल्तान हूँ और इस दुनिया का सबसे ताकतवर शैतान। अब मैं एक ऐसी सल्तनत बनाऊंगा जिसे इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। अब मैं किसी भी मुल्क को तबाह कर सकता हूँ, किसी भी सल्तनत को बर्बाद कर सकता हूँ। और तुम्हें भी चींटी की तरह मुसल सकता हूँ। ये सच है, लेकिन तुम्हें सुल्तान किसने बनाया? तुम्हें ताकतवर किसने बनाया? इसका मतलब कोई चीज, कोई इंसान, कोई अजूबा तुमसे ज्यादा ताकतवर है। चीनी ने तुम्हें यह ताकत दी है और वो वापस भी ले सकता है। वो मेरा गुलाम है। लाल के लिए तुम चीनी से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। तुमने खुद ही कहा था इंसान को सबसे ताकतवर होना चाहिए, वरना वो कुछ भी नहीं। तुम्हारा दर्जा हमेशा दूसरा ही रहेगा। दूसरा, 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 सिर्फ दूसरा। वो मेरा गुलाम है। अब देखना, आज के बाद कोई मुझे दूसरा नहीं बुलाएगा। चीनी, मेरी आखिरी मुराद है कि मैं इस पूरी कायनात का सबसे ताकतवर चीनी बन जाऊं, तुमसे भी ज्यादा ताकतवर चीनी। कर देना मुराद मांगने में गड़बड़, खैर मुझे क्या। कायनात के सबसे ताकतवर चीनी आप बनेंगे। सोचा है ये तुम्हारी आखिरी मुराद है ना,
शाही जिंदगी वैसे तो अच्छी होती है, बस उसमें थोड़ा 19-20 करना पड़ता है। ये देखो बाएं हाथ का जादू। अलादीन एक नेक दिल शहजादा जिसकी दिलेरी को देखकर दुश्मन की दुश्मन गिरी निकल जाती है। जास्मिन कैसा लगा? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। तुम्हें जरूरत है इसकी। ये है आगरा का कानून जिसमें तुम्हारे लिए एक मास्क लेता हूँ। तो कहा गया ये रहा, शहजादी की शादी शहजादे से। तो हम धारा 420 के तहत फालतू नियम कानून से बाहर कर सकते हैं। फिर एक शहजादी और चोर हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। तुम कानून को क्यों नहीं बदल सकते? छोटे कानून मेरी जेब में है। तो ठीक है, मांगो अपनी आखिरी मुराद। ठीक है, आखिरी मुराद जीनी। चलो भाई जल्दी करो, बहुत देर हो गई। मेरी मुराद है तीसरी और आखिरी मुराद। मेरी मुराद है कि तुम आजाद हो जाओ। हाँ छोरी, पकड़ी जाती है।